एक्चुअली मैं घर पे बैठा था एंड देन वीर जो असिस्टेंट है सर के वीर ने कॉल किया, कहा कि सर मिलना चाहते हैं। ओके ठीक है, क्यों कुछ पता है नहीं। अच्छा चलो मिल लेता हूँ। तो मैं आ गया सर से मिलने एंड देन सर ने पूछा शेव करके क्यों नहीं आए। किसी ने कुछ बताया नहीं शेव करके आ जाओ। तो मैं फुटपाथ पे गया, शेव करवा के आ गया एंड देन सर ने बोला चश्मा लिया। तो मैंने चश्मा पहना, फिर सर ने पूछा लग रहा है पता है कौन सा रोल कर रहा है। बापू जी तो नहीं होंगे नेताजी। आई थिंक मेरे पैर जमीन से 2 फुट ऊपर आ गया एंड देन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ खास याद नहीं है। इट्स अ बिट ऑफ अ ब्लर, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गया एंड वेरी प्रिविलेज्ड एंड हम्बल्ड के सर ने मुझे इस लायक समझा कि आई कुड पोर्ट्रे सच एन इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस स्टोरी। मैं एक चीज़ आपको इंट्रोडक्शन दूँ, गिरी जो है ये असम से हैं और असम ये डायरेक्टर हैं। इन्होंने 2 SMEs फिल्म बनाई, अभी इन्होंने फिल्म बनाई, तो इनके अंदर एक डायरेक्टर ऑलरेडी है, तो इनको मुझको ज़्यादा डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपका कितना इनपुट था, मतलब आपके कैरेक्टर के साथ इनपुट तो बहुत सारे थे सर के, बिकॉज मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। आपके सवाल का जवाब, काफ़ी रिसर्च की मैंने, इन द सेंस 3 किताबें मेरे लिए सबसे बड़े सोर्सेज थे, हिज मैजेस्टीज ओपोनेंट, ब्रदर्स अगेंस्ट द राज और द फॉरगॉटन आर्मी। तो इन 3 किताबों से मुझे पता चला अबाउट नेताजीज थॉट्स, अबाउट हिज लाइफ, हिज बायोग्राफी एंड स्पेशली दी INA, इंडियन नेशनल आर्मी ने क्या क्या कैसे फॉर्म हुई एंड उनका कितना बड़ा रोल था इन इंडियाज इंडिपेंडेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट नेताजी के काफ़ी स्पीचेज एंड वीडियोज मैंने देखे एंड सुने, ट्राई टू पिक अप हिज स्पीच पैटर्न्स ऑन, और हमने डिसाइड किया कि एक एक्सेप्टेबल लेवल के सिनेमैटिक भी हो एंड एट द सेम टाइम ट्रू टू नेताजी एज पॉसिबल, एक वो हमने एक बैलेंस सॉर्ट ऑफ डिसाइड कर लिया। एंड टिशु सर खुद एक मास्टरफुल एक्टर हैं, तो एकदम छोटे छोटे इनपुट्स देते वो, विच वुड मेक द परफॉर्मेंस वेरी रियल, वेरी नेचुरल। ये तो डिटेल्स में मुझे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स याद हैं, बट सम अदर टाइम।